Good morning, sir. हाँ भाई, शुरू करते हैं क्या? हेलो। आवाज नहीं आ रही अभी? आ रही है सर। तो शुरू करते हैं। ओके, चलो। अब शुरू कर दें। हाँ सर। तो कल तुमको मैंने लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट बतलाया था, उसमें शायद कोई मिस्टेक हो गई थी मेरे से। और वो मिस्टेक ये थी कि लॉग एक्स वन अपॉन एक्स टू वॉज 2 पाई जीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। दिस वॉज द केस ऑफ अंडर डैम्प्ड वाइब्रेटरी मोशन ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। नाउ सपोज दिस कर्व इज डिक्रीजिंग स्लोली एंड स्लोली। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्या नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? नहीं आई क्या? हाँ, गई सर, आ गई। तो ये हमने कल जो किया था वही था, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, हाउ मच इट इज डिक्रीजिंग। ये भी ध्यान रखना कि एक्स वन अपॉन एक्स टू है ये। ना सपोज वी कंप्लीट 10 साइकिल्स एक्सपेरिमेंटली,
एंड द एम्पलीट्यूड इन द बिगिनिंग इज सपोज एक्स जीरो एंड एट द एंड इट इज एक्स टेन. सो दिस लॉग सपोज आई वॉन्ट टू राइट डाउन एक्स जीरो अपॉन एक्स टेन. You can write it log x0 upon x1, x1 upon x2, and x9 upon x10. Means all these ratios are equal, and you can write it equal to log x0 upon x1 to the power 10. Or you can write it 10 log x0 upon x1. अभी ठीक है. आई होप देयर इज नो मैथमेटिकल मिस्टेक. यस सर. भाई शेयर इंटरेक्ट विद मी. हेलो हेलो सर. अरे भाई अपने स्पीकर तो ऑन रखो यार. यस सर क्लियर. अपने स्पीकर ऑन रखो और ये देखो कि मेरे तुम बातें करते रहो फिर कमरे बंद कर दो ताकि बाहर से आवाज नहीं. मैं कह रहा हूँ इसमें कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है. नो सर. नहीं सर. यस सर. यस सर. दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 पाई जीटा अपॉन दिस. यस सर. यस. सो आइदर यू राइट डाउन या 2 pi zeta upon 1 minus zeta square root and this is equal to log x0 upon x10. Is it okay mathematically? एक्स जीरो अपॉन एक्स टेन को मैंने ऐसे फॉर्मेट में डाला 10 बाहर आ गया और ये क्वांटिटी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी. एक्स जीरो और एक्स टेन आर गिवन टू यू सो जीटा यू कैन फाइंड आउट दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग रेशियो. Hello. Now, suppose it's a case of force vibration. Sorry, upper x0 upon x1 hai. X0 upon x10 yahan par. Uske upar sir. Ye x0 upon x1 to the power 10. Okay. Ye sare ke sare ratio barabar hai na aapas mein. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 10 हो जाएगा ना. ओके सर. हाँ ओके सर. हाँ सिंपल कैलकुलेशन है. तो बेसिकली डेरिवेशन ये वाला थोड़ा सा देखना था मैथमेटिक्स है इसमें. फोर्स वाइब्रेशन देखो क्या होता है. मेरे को फोर्स वाइब्रेशन तुम लोगों ने ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बीटेक लेवल पर. अभी कुल मिला के 7-14 स्टूडेंट्स हैं. पता नहीं एमटेक कर रहे हो और फिर भी स्टूडेंट्स जो है एब्सेंट रहते हैं. तो सपोर्ट स्प्रिंग डैम्पर मास एंड ए फोर्स एफ जीरो कॉस
omega t is acting on this. All right. Yes, so if at any moment displacement, velocity and accelerations are taken downward for mathematical modeling, F0 cos omega t also taken downward. So kx plus cx dot plus mx double dot, all these values will act upward. एक मिनट फोन आ रहा है. हाँ तरुण, हेलो. हाँ हाँ बोल. गुड मॉर्निंग सर. हाँ सर, वो अभी है ना आपको बात से लगा था, वो थोड़ा वो लिप भी क्या है, वो डिलीवरी से वो ऑप्टिकल टाइप डिलीवरी हो गई क्या? हाँ सर, उनका बिल हो गई थी. ये फुल टाइम हुआ है, प्री मैच्योर हुई है? नहीं नहीं फुल टाइम सर. ओके, पेरेंट्स आ गए? हाँ सर. सर मेन कहाँ पर कराई डिलीवरी? यहाँ पे सर, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है ना, गवर्नमेंट. हाँ हाँ चलो करो सेवा करो, अभी बताओ तुम मुझे, है ना? अजीत से मिल लेना, बोल दिया है. अच्छा पहले अच्छा घर को दिया, अच्छा अच्छा घर को दिया यार, वो घर आ जाए तब काम करना. सब डालना है ये मार दे लो. हाँ बेटा, छुपा खेलो. तो मैं पढ़ाई करा रहा हूँ भैया, वो पढ़ा रहा हूँ मैं. अरे इसको ले जाओ, लेक्चर ले रहा हूँ. सुनो, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ले जाओ. अरे भगवान, बेटा मैं लेक्चर लेता हूँ प्लीज. हाँ तो ये केस तुम लोगों ने पहले ही किया होगा. जब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो kx ऊपर लगता है, डैम्पिंग फोर्स भी ऊपर लगता है, इनर्शिया फोर्स भी ऊपर लगता है. वो पिछली बार आर्टिकल में बताया था. एंड दिस इज एक्टिंग डाउनवर्ड. सो ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज एफ जीरो कॉस ओमेगा टी. ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन. दिस इज नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सो दिस इक्वेशन इज व्हाट यू कॉल इट, नॉन होमोजेनियस. यू कॉल दिस इक्वेशन नॉन होमोजेनियस बिकॉज द राइट हैंड साइड इज नॉन जीरो. सो द इक्वेशन एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो कॉस ओमेगा टी. इन दिस केस एक्स विल हैव टू फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड एक्स पर्टिकुलर इंटीग्रल. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, इफ यू रिमेंबर, यू हैव डन इट ऑलरेडी. आई एम जस्ट रिपीटिंग. इन केस ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इट इज बेसिकली ए केस सॉल्यूशन ऑफ फ्री वाइब्रेशन एंड दिस इज फॉर फोर्स पार्ट. फ्री वाइब्रेशन मीन्स इट इज ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस. एंड दिस फ्री वाइब्रेशन पार्ट इज समटाइम्स कॉल्ड ट्रांजिएंट ऑल्सो, ट्रांजिएंट पार्ट. And this part dies out with time. Means because of initial conditions you have this kind of vibration that you know already, recently we have discussed. So this free vibration part will die out
because of damping, and the response because of force, harmonic force, will be continuously harmonic. So x complementary function is just a is your zeta p t cos omega d t minus y, which has been solved earlier. Then for second part, particular integral. Sir, एक बार first वाला paper दिखा दो. हाँ. एक बार first वाला paper दिखा दो. लिखना है. हेलो. M x double dot plus C x dot plus K x. रिपल डायग्राम बनाएंगे तो ये इक्वेशन आएगी. ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, इसलिए इसके दो पार्ट्स होंगे. पहला पार्ट कहलाएगा फॉर फ्री वाइब्रेशन, सेकंड पार्ट कहलाएगा फॉर फोर्स वाइब्रेशन पार्ट. इसको ट्रांजिएंट पार्ट भी कहते हैं, और ये बिकॉज ऑफ इनिशियल कंडीशंस होता है एज यू ऑलरेडी नो. सेकंड पार्ट जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस हार्मोनिक फोर्स होता है, और कंटिन्यूअस हार्मोनिक फोर्स लगा हुआ है. जो मैंने आपको, और ये जो फोर्स है राइट हैंड साइड में, ये हार्मोनिक भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, और ट्रांस क्या कहते हैं, इम्पल्सिव भी हो सकता है. फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस. पूरे वाइब्रेशन में जस्ट सिंगल डिग्री से लेके मल्टी डिग्री तक फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन का रेस्पॉन्स एनालिसिस है, और फोर्स वाइब्रेशन के केस में है फोर्स हार्मोनिक भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, और इम्पल्सिव भी हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्सिव. तो ये तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है, वो अलग अलग के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हैं. ऑलराइट. मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूं, मानते हुए कि तुम लोगों ने चूंकि बीटेक में कर रखा है, तो आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस द थिंग्स वेरी स्लोली. स्पीड आल्सो यू कैन इजीली मेंटेन. यस सर. तो इसमें क्या है कि सिर्फ दिस राइट हैंड साइड एक्साइटेशन इज एफ जीरो कॉस ओमेगा टी. सिंस इट इज हार्मोनिक, सो द रेस्पॉन्स इज ऑल्सो harmonic. Response means, what is the meaning of response? Motion of mass m. And the motion of mass m may or may not be in phase with this motion. Phase means when this force is suppose changing like this, then motion if also changes like this, then these two are in phase. They are attaining their peaks simultaneously. They are attaining their minima, mean value also simultaneously. Then these are called in phase. If this is for force and this is for x. In phase is not confirmed. So assume phase lag of phi means the motion of mass m is taken as a cos omega t minus. If I substitute this assumed solution in the differential equation, I'll get minus m omega square plus एक बार differential करेंगे तो क्या आएगा, minus आएगा, ये minus a minus omega square से भी नहीं लिख सकते,
इक्वेशन आपकी है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस ए एक्स इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो सॉरी दिस एफ जीरो कॉस ओमेगा टी, अगर इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो पहले तो आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव एंड मल्टीप्लाइड बाई एम, because it will be differentiated twice. Then for cx dot t into x dot means minus of a sine omega t minus phi. And third term will be k into a cos omega t minus phi. On the right hand side, this is your F zero cos omega t. Now, what you have to do, you have to open this. So, omega t cos phi plus sine omega t sine phi. इक्वेशन सॉल्व करना आता है आप लोगों को? नहीं आता? हेलो सर, वीडियो पॉज हो गई, स्क्रीन पॉज हो गई सर, आफ्टर स्क्रीन और किसी के मेरे को वीडियो पॉज हो गई है, क्या हो गया? अभी नहीं आ रही वीडियो? आ रही है सर, अब नहीं पहले क्यों नहीं आ रही थी? बीच में कैसे चली गई? रुक गई थी सर, पहले सर लैग हो गया था सर बीच में, नेटवर्क इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वांटिटी तो आएगी कॉस ओमेगा टी का फंक्शन, प्लस दूसरी क्वांटिटी आएगी साइन ओमेगा टी का फंक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू एफ जीरो कॉस ओमेगा टी। तो जो क्वांटिटी इस कॉस ओमेगा टी का फंक्शन है, सपोज दिस इज योर सी वन, देन सी वन विल बी टेकन इक्वल टू एफ जीरो, दिस इज वन। एंड जो साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, सपोज दिस इज सी टू, इट इज एट 90 डिग्री टू कॉस ओमेगा टी, साइन और कॉस में कौन आगे चल रहा है? साइन फंक्शन हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, कॉस फंक्शन पहले पीक पर होता है, फिर कम होता जाता है और फिर यह चलता है। कौन आगे चल रहा है, कॉस या साइन? कॉस सर, कॉस कॉस आगे चल रहा है, ये वाला कॉस है। ये वाला साइन है, जब कॉस वाला कर्व थ्री बाई फोर से आगे निकल जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगा।
वैसे भी अगर आप थोड़ा और तरीके से देखना चाहें देख सकते हैं कि cos ओमेगा t is minus suppose 2 pi so this is equal to 1 0 and 2 pi पर 1 होता है ये और ये पाई बाई टू पर होता है वन मतलब यू नीड सम टाइम टू बी ट्रैवर्स्ड तो ये लेट स्टार्ट होता है ये पहले स्टार्ट होता है और ये स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही है ये इंटरनेट चल ही नहीं रहा यार क्या पता नहीं चल चल के कहाँ चला इंटरनेट ही नहीं चल रहा यार लैब में बैठे दो तब भी नहीं चलता कहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर अरे मंजू तो पानी पिला देना प्यार It's a big problem. मोबाइल से कोशिश करता हूँ कि इसमें चल जाए हॉटस्पॉट पता नहीं क्या हो गया यार Thank you.
अरे सर गए यार। शुक्र बता दिया आपने। तो अभी कौन लेगा क्लास? अभी अपन ही लेता। ऋषिकेश। हाँ लेता हूँ, बात करते हैं ठीक है सर। अब ऋषिकेश लेगा क्लास। अरे चुप हो जाओ। सौरभ पढ़ा? हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनोगे तो। अरे भाई मैं वो क्या बोल रहा हूँ, डीके सर से बात करेंगे आज। नहीं नहीं आने तो दे, उससे पहले अपन बात कर लेंगे ना। हाँ ये बोल रहा हूँ मैं। देखो अगर एग्जाम ऑफलाइन होते हैं ना तो क्लासेस ऑनलाइन कराने से फायदा नहीं है। तो उससे सीधा पूछेंगे कि एग्जाम कैसे होंगे। यदि एग्जाम ऑफलाइन होंगे एग्जाम के लिए ही ऑफलाइन क्लास शुरू की है, एग्जाम के लिए ही ऑफलाइन बुलाया, इसलिए बुलाया उन्होंने। हाँ तो उससे वही बोलेंगे, जब बच्चे आ ही नहीं पा रहे तो तुम ऑफलाइन एग्जाम कैसे ले लोगे, हम वहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे। तो हाँ ना एग्जाम पोस्टपोन का हो सकता है, एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है उससे से पता लगेगा। हाँ ये हो सकती है ना, बोला तो था शुरुआत में कि एग्जाम को तुम आगे पोस्टपोन भी करा सकते हो। हाँ फिर वही तो लॉकडाउन लगेगा पक्का, लॉकडाउन लग गया ना फिर मैं तो वापस नहीं आ पाऊंगा। सबसे पहले तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में ना क्या करूंगा, एक पार्सल लेके आता हूँ और सबके साथ घूमता। अलाउ नहीं है महाराष्ट्र वालों को राजस्थान में। आप ऐसे की बोल रहे हैं, किसी में लोग पकड़ रखे हो आपकी? क्या बोल रहे हैं ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? सी 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 में बैठा हूँ भाई। तो तेज कैसे बोलूं यहाँ पे मुंह से? महीनों में अभी तक आप धीरे नहीं बोले, आज कैसे? ये क्या अभी भूपेंद्र? अरे सी सी में बैठा हूँ कंप्यूटर लैब में। हाँ तो कॉलेज के बारे में बोलो ना, चिल्ला के कैसे बोल साली? तू ही दुश्मन है साली, तू क्या कर रहा है कॉलेज? निकल जा। अच्छा एक चीज बता, मैथ्स खुला हुआ है क्या? खुला हुआ है, दो पॉजिटिव आए कल, गंगा उस गंगा हॉस्टल। चलो खाना बंद नहीं है ना, बाय चांस आ जाए खाना बंद हो जाएगा भाई। वो क्या बोल रहे सुना क्या, उधर दो पॉजिटिव आ गए? तो खुद तो पॉजिटिव आया। अरे अपन में से भी कोई टेस्ट होगा ना, तो अपन में से भी एक ना एक तो पॉजिटिव होगा भाई। मैं मुझे तो टेस्ट कंपलसरी है, टेस्ट कंपलसरी मुझे राजस्थान आने के लिए। मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं सर को बोल दूंगा, सर महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्वारंटाइन रखते है, फिर मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाऊंगा। अगर एग्जाम ऑफलाइन होना तो देख सबको आना पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। मैं नहीं आऊंगा भैया, एक हफ्ता देखूंगा, फिर अगले हफ्ते आऊंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा भाई। जाने दे, बोलेंगे कि एग्जाम पोस्टपोन कीजिए, बजाज भी चली जाएगी फिर। हाँ जाने दे बजाज, ये मर जाएंगे साली बजाज में क्या करेगा। अभी अरनव भैया धीरे से बोले तो कुछ। अरे मैं बोला पहले जान, पहले बजाज बाद में। तो आप क्या कर रहे हो जयपुर में फिर? मैं लाइब्रेरी में डाउनलोड कर रहा हूँ। मतलब खुद जयपुर में बैठे हैं और बोल रहे हैं पहले जान, दोनों, जान दोनों पहले। दोनों क्या कर रहे हैं कॉलेज में? क्या क्या कर रहे हैं अभी? क्लास से बाहर चले जाए क्या? हाँ फिर क्या, बाहर ही तो है तू। अरनव तो जयपुर में? हाँ जयपुर में है। हाँ वो कल आए नहीं थे क्या? एक आदमी जिंदा हो गायब हो गया, कल न्यूज आई थी। कंपनी मिक्सी बंद करो। क्या बोलो? हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो। अरे फिर सर को क्या बोलना है पॉइंट, फिर क्या बोलना है? फिर ऑनलाइन ही रखो, फिर एग्जाम भी ऑनलाइन रखो और ये भी ऑनलाइन रखो। और अगर सर, अरे फिर सर को बोलना सर लेने के लिए आए फिर महाराष्ट्र में, मुझे मेन लेने ट्रेन और फ्लाइट। चल के आ भाई, चलेगा वो गाली देंगे आपको। मैं बोलूंगा सर लेने आओ, फिर आपके सुने दियो में। उनसे सीधा बोल देंगे ना, अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो तो बताओ हम कैसे
सकता है और फिर नहीं तो हमको टाइम दो थोड़ा आने को जाने को नहीं मिला तो या फिर हमको हॉस्टल या फिर हमको हॉस्टल आउट करो नहीं हॉस्टल आउट करो हॉस्टल आउट करो फिर हमको घर नहीं जाना फिर एग्जाम के बाद एक दिन की छुट्टी और वहीं पे सीधा क्लास चलेगा फिर हॉस्टल अलॉट कर दो ये सही है हॉस्टल चाहिए भाई हमको यार मैं तो ज्यादातर बातें सही बोलता हूँ पर क्या करें ठीक है उसका अच्छे में बोलेंगे हाँ छह में इसको तो छोड़ो पहले किसके करना भाई एक बार कुछ बोलो ना यार धीरे से मस्त लग रही है भूपेंद्र भाई आप भी भूपेंद्र भाई आपके तो धीरे आवाज सुने जमाना सा हो गया अभी तक कभी सुनी नहीं हाँ सुन ले दिक्कत होगी नहीं नहीं बस हो गया क्या बोल बोल एक साथ मत बोलो हाँ अर्णव भाई हाँ आपने कैसे खाया उस इंसान को यार मस्त घूमा यहाँ पे आके नागरपुर घूम के आ गया कोई इसके पास मत जाना वहां जाने के बाद ये पक्का पॉजिटिव हाँ ना ये घूम रहा है बीमार है बोल रहा है ये बच गया भुका रहा था इसको नहीं वो गया नहीं अभी आया था तो गया नहीं वो अंदर है अर्णव तो पहले रूम से बाहर निकल फिर मैं आऊंगा किडनी या लीवर के आसपास है कहीं पे मैं भी रहता हूँ उसके साथ मेरे को भी निकलना पड़ेगा तू भी निकल फिर दोनों निकलो आप तो आवाज से लग रहे हो अब तक तो वरना क्लास गूंज उठती अगर सही होते क्वेश्चन मार्क गाड़ी दे दिया आपको फेज भैया आपका कहना चाहोगे इस बात पे सर हेलो हाँ सर सुनाई दे रहा है यस सर अब दिखाई दिया है क्या यस सर तो क्या कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका तो आपने किया ये वाला cos omega t minus phi इसको सब्स्टिट्यूट किया और फिर cos omega t के और sin omega t के लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीपल्स हैं उनको राइट साइड से cos omega t sin omega t के मल्टीपल से cos omega t राइट साइड में केवल cos omega t आया हुआ है और लेफ्ट साइड में cos omega t भी होगा ठीक है ना तो cos omega t और sin omega t cannot be equal to zero for all time values तो इनके जो मल्टीपल्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड वाले को f0 के अबाउट इक्वल एंड c2 को जीरो के बराबर लिख के और यहां से a एंड phi कैलकुलेट करते हैं पढ़ने का तरीका यही है कि आपने कोई आर्टिकल पढ़ा तो उसके बाद उसको समराइज करो कि व्हाट दे हैव डन एक्चुअली और जब टीचिंग करते हैं तो पहले उसका एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क पता होना चाहिए आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी
पर यार फिर पढ़ाने का फायदा क्या, करूं कैसे, मैं समझ नहीं आता। कल जो है बीटेक वालों को पढ़ाया था सब ठीक चल गया, तुम्हारे से सुनना है इसको अंकितों को। सर हमारे क्लासेस ऑफलाइन होंगी क्या? अभी तो हमें खुद परेशान है ऑनलाइन से, बहुत परेशान। अभी तुम्हारी क्लास है क्या इसके बाद? यस सर। यस सर है। यस सर है क्लास डीके सर की सर। हाँ तो अगली बार तुम टाइम से शुरू करेंगे, ऐसे नहीं आज तो 11:17 पर शुरू हुई, 10:17 पर शुरू हुई थी। सर टैबलेट यूज कर लिया करो सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। टैबलेट, टैबलेट बड़ा साइज का कोई आता है क्या? आता है सर। कितने का आता है डिजिटल बोर्ड? उसमें काफी स्पेस होता है उसमें। यस सर काफी स्पेस होता है। 1.5 लाख का आ रहा है। सिंपल टैबलेट भी सर, जैसे आईपैड होता है ना उसमें सर, और क्लास लेते हैं ना छोटा है यार ये। उस पर तो एक्सप्रेशन लिखना ही अपने आप में चैलेंज है। सर एग्जाम ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे? कोई पता नहीं, तुम तैयार रहो ऑफलाइन के लिए। सर जो बाहर बैठे हैं बहुत दूर दूर, वो तो आई नहीं पाएंगे सर, महाराष्ट्र में ज्यादा। हाँ तो उससे कुछ रास्ता निकालेंगे। सर हमारे सब ट्रांसपोर्टेशन वो भी बंद हो रही सर, फिर हम वहाँ आ गए और लॉकडाउन लग गया, वापस भी नहीं आ सकते सर हम, फिर महाराष्ट्र वाले, उड़ीसा वाले, वेस्ट बंगाल वाले। हाँ तो ऐसा है कि तुम अपने मेल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डिसीजन लेकर नहीं हूँ उस मामले में, मैं कमेटी में भी नहीं हूँ। तुम तो जो है मेल लिख के और डीन अकेडमिक्स पे डाल दो। आज तो मेरे कंप्यूटर जाने क्या हो गया, बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। हाई विजन फिंगर टच स्टाइलस पेन बेस्ट इंटरैक्टिव बोर्ड, अब इसका साइज क्या है? 45,000 रुपए का है। मैं तो 45,000 रुपये खर्च करने को तैयार हूँ यार। ये कोई 22,000 का है। मतलब तुम्हारे ये लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है ये? है यस सर। चलो कोई और रास्ता निकालता हूँ अगली बार से, हो कोई ताकि तुम्हें साफ साफ दिखे। मैं सुन चाहिए।